मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र से शुक्रवार शाम को अगवा किए गए डॉक्टर एसपी सिंह के पुत्र विवेक सिंह को पुलिस ने महज 15 घंटे के भीतर खोज निकाला। अपहृत युवक की सकुशल बरामदगी के साथ ही पुलिस ने 4 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया है। विवेक को मुजफ्फरपुर से अगवा किया गया था, जिसे पुलिस ने भोजपुर से छुड़ाया। अपहरणकर्ताओं ने विवेक के मोबाइल से ही चिकित्सक से 30 लाख की फिरौती मांगी थी, जिसके बाद डॉक्टर ने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। विवेक को ढूंढने के लिए पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया था। राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपहरण में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो की पहचान की गई है। पाटी थाना के अंतर्गत वहाँ के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, डॉक्टर एसपी सिन्हा, उनके सुपुत्र हैं जिनकी उम्र 26 वर्ष है, उनका नाम विवेक कुमार है। उनका अपहरण शाम को लगभग 4:15 बजे के लगभग काटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो मार्केट है, लोकल मार्केट, वहाँ से एक स्कॉर्पियो के द्वारा कर लिया गया। चूँकि शुरुआती स्तर में टोटली ये ब्लाइंड केस था और हम लोगों ने मार्केट में जो भी दुकानों में सीसीटीवी फुटेज थे उस पर काम किया। टेक्निकल जो हम लोगों की सर्विलांस टीम है उस पर भी काम किया और इसमें एक SIT पश्चिमी DSP श्री अभिषेक आनंद के नेतृत्व में गठित की गई, जिसमें कांटी के थाना अध्यक्ष संजय जी और DIU टीम के प्रभारी सोजाउद्दीन और उनकी पूरी टीम लगातार सक्रिय रही। शुरुआत के 8 घंटे में ही हम लोगों को लीड्स मिलने प्रारंभ हो गए। हम लोगों ने जो भी रास्ते में डिफरेंट टोल प्लाजा पड़ते थे या दुकान पड़ती थी वहाँ की भी फुटेज पर काम किया और फाइनली इस टीम को लीड भोजपुर में जाके मिला और पूरी रात इसमें ऑपरेशन चला और आज सुबह 10 बजे भोजपुर से जिनका अपहरण हुआ था उनको हम लोगों ने साकुशल वहाँ से निकाला। इसके अलावा 4 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी अभी तक हुई है, जिसमें एक का नाम सत्यम है, एक का नाम चंदन है, एक का नाम रवि है और एक का नाम राधेश्याम है। इसमें जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो उसको भी बरामद किया गया है और इस पूरे ही घटनाक्रम में डॉक्टर साहब के यहाँ पे एक जो रेंटर रहते थे जिनका नाम रवि था, उन्होंने लाइनर का काम किया था। रवि उनके यहाँ पिछले 5 वर्ष से रह रहे थे और काफ़ी विश्वसनीय उनके बन चुके थे और रवि बेसिकली रहने वाले अरवल के हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई भोजपुर में हुई है और भोजपुर में ही ये पढ़ाई के दौरान सत्यम नामक एक अपराधी उनके संपर्क में आए थे। रवि के ऊपर बैंक का लोन था, लोन चुकाने के लिए इनके पास पैसा नहीं था और उन्होंने सत्यम की बातों में आकर इस पूरे योजना को प्लान किया। आपको बता दें, शहर के नामी डॉक्टर एसपी सिंह के 28 साल के बेटे विवेक सिंह का अपहरण तब हो गया था जब वो घर से एक पार्टी में शामिल होने के लिए निकला था। विवेक अपने पिता का इकलौता बेटा है। इस कांड में लाइनर की भूमिका निभाने वाले आदित्य सिंह उर्फ रवि को भी दबोच लिया गया है। इन तीनों की निशानदेही पर विवेक को भोजपुर के गढ़नी थाना क्षेत्र से पुलिस ने बरामद कर लिया। घटना में शामिल एक फरार अपराधी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। We'll be right back.